हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम आ गए हैं अपनी नानी के घर। और नानी के घर में आके इस तरह से बाहर बैठे हुए हैं, देखिए बातें हो रही हैं। और साथ में मैं आज आपको दिखाऊंगी गांव में लोग कितने मेहनती होते हैं, कितना काम करना पड़ता है गांव में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। आप क्या कर रहे हो? ये घास काटने वाली मशीन सही टाइम पे आई। मैं देखो देख रहे हैं। देख रहे हैं। हाँ, यूट्यूब पे डालूंगी, फिर अपने पे सारे देखेंगे। नई चीज है ना, ऐसा देखना पसंद करते हैं सारे। इस तरह से फिर मशीन ऑन कर दी गई। और वीडियो में मैंने मशीन की आवाज नहीं ली क्योंकि बहुत ही डिस्टरबेंस हो रही थी। मुझे लगा आप सभी को पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा आवाज़ ली, उसके बाद बंद कर दी है। तो देखिए इस तरह से गांव में भैंसों जानवरों को चारा काट के दिया जाता है। जैसे इंसान बहुत ही मतलब टेस्टी टेस्टी खाना खाना पसंद करते हैं, उसी तरह से आजकल जानवर भी इस तरह से घास खाना पसंद करते हैं। और वैसे भी जितने अच्छे से हम जानवरों को देंगे उतना ही वो हमें दूध देंगे, तो जानवरों की भी फुल केयर करने पड़ती है। और जानवर पालना आजकल के टाइम में आसान बात नहीं है, बहुत ही मेहनत का काम होता है। और मामी जी ने हाथ में डंडा ले रखा है बंद करने के लिए मशीन को, क्योंकि यहाँ पे करंट भी लगता है इसलिए। और बस फिर अब ये देखिए क्या करने वाले हैं, ये इन्होंने ये जो बफेलो की छोटी बच्ची है यानी कट्टी बोलते हैं हमारी भाषा में इसे, इसके खाने की जगह को जो है साफ कर दिया है थोड़ा यहाँ पर। अब ये अंदर से जो घास बनाया है उसको लेके इसको देंगे। और साथ ही में मैं आपको गोद के आसपास का व्यू दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने किचन गार्डन बनाया हुआ है, इसमें अरबी के पत्ते, बैंगन के पौधे, करेले की बेल और मिर्ची, ये सब चीज़ें इन्होंने लगा रखी हैं। और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये घर के पीछे की साइड है और यहाँ पर एक खाती है, खाती बोला जाता है जैसे बावड़ी वगैरह होती हैं पानी का स्टोरेज के लिए, बावड़ियों में सीढ़ियाँ वगैरह लगाई जाती हैं, लेकिन ये नॉर्मल पानी की स्टोरेज के लिए रखा जाता है गांव में। ये अंडरग्राउंड होता है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। और यहाँ पर मामी जी ने देखिए ये फावड़ा टाइप ले लिया है और इसकी सहायता से घास को इकट्ठा करेंगे। ये देखिए ये छोटे टोकरों से जो है घास को इकट्ठा कर रहे हैं। फिर और ये देखिए फिर इन्होंने ये सूखे घास के साथ जो है इसको मिक्स कर दिया। और जैसे हम लोग टेस्टी खाना पसंद करते हैं बस उसी तरह से
भैंसों के लिए भी टेस्टी खाना बनाया जा रहा है। सूखा घास खाना इन्हें भी पसंद नहीं होता, इसलिए साथ में हरा घास भी मिलाया जा रहा है। थोड़ी देर पहले ही मामी जी ये घास काट के लेके आए थे। ये देखिए, अब इसको बड़ी टोकरी में डाल दिया गया। और बहुत ही मेहनत से करना पड़ता है ये सारा काम, हर किसी के बस की बात नहीं है। और जो ये पीछे देखिए, ये इस तरह से गीला है, इसको भी अभी ये शाम तक जो है अच्छे से क्लीन कर देंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है तो ये अपने आप से तो सूखता नहीं है, इसको काफी साफ सफाई से रखना पड़ता है ताकि जानवरों को भी अच्छा महसूस हो और मच्छर वगैरह भी कम हो। और ये देखिए, ये छोटी कट्टी को घास दे दिया गया है और ये खा रही है। और फिर मैंने इसको छूने की कोशिश की, मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको टच किया। ये देखिए, गांव में आके बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर देखिए, मामी जी का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, ये लकड़ियों का भारा है और इसे जो है वो अपने किचन में ले जाएंगी, क्योंकि ये 50% काम गैस पे करते हैं और 50% काम जो है चूल्हे पे भी करते हैं, तो सब्जी वगैरह बनाना गैस पे हो जाता है और रोटी ये चूल्हे पे बना के ही खाते हैं, उसका स्वाद ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम दो रोटी के बदले चार रोटी खा जाते हैं, इतनी स्वादिष्ट होती हैं चूल्हे पे बनी हुई रोटियाँ। और ये मेरी नानी का पुराना घर है, उसका थोड़ा सा पार्ट रहना इन्होंने 10% बोल सकते हैं, वो इन्होंने स्टोरेज टाइप बना लिया है, बाकी तो नया घर मैंने आपको दिखाया ही वीडियो के स्टार्टिंग में। और देखिए, ये पुराने घर की चूल्हा है और इस पे पानी गर्म करने रखा हुआ है और लकड़ियाँ। तो यही था वीडियो में।